अस्पताल वाला माल मामला लगभग बक्सर में 4 से 5 सालों में अपना नाम बदल बदल के वो हॉस्पिटल का संचालन करता है। वो व्यक्ति का नाम है राजीव झा और साथ ही बक्सर के तमाम ऐसे गरीब जो असहाय हैं उनसे 2 से 3 घंटे में 50 से 60 हज़ार रुपया 2 से 3 घंटे में बनाता है। ऐसे हॉस्पिटल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही आपके न्यूज़ के माध्यम से बक्सर सिविल सर्जन और SDO साहब से मांग करते हैं कि ऐसे जो भी बक्सर में निजी हॉस्पिटल हैं जो कि शोषण करने का काम करते हैं ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत बंद किया जाए और कार्रवाई किया जाए ऐसे हॉस्पिटल से, ताकि बक्सर के जो लोग शोषण हो रहे हैं उससे बचाया जाए। बक्सर की सारे हॉस्पिटल की अर्थव्यवस्था जो है कि बहुत ही चरमराई रहती है। बक्सर सही बात है कि बक्सर के जो सदर हॉस्पिटल में सुई से लेकर रुई तक नहीं है, पर उसी को देखते वो लोग फायदा उठाते हैं और तमाम जो है इससे ज़्यादा जो अनारकली हॉस्पिटल के नाम से, कभी विश्वमित्र के नाम से, वो अलग अलग नामों से अपना हॉस्पिटल संचालन करता है जिसका नाम है राजीव झा, और वो शोषण और एक गुंडागर्दी करता है अपना और बक्सर में। यह बक्सर के लिए दुर्भाग्य है और ऐसे हॉस्पिटल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या मांग है तो सरकार से? सरकार से मांग है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, हमारे जो सिविल सर्जन है IUMO के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि हॉस्पिटल बंद हो। गिट्टू तिवारी, अंत्योदय सेवा संस्था। देखिए, बक्सर में कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो अपनी मनमानी करके मरीजों को अपने चपेट में लेकर उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही अनारकली हॉस्पिटल जिसके संचालन करता है डॉक्टर राजीव झा, उन्होंने एक मरीज से सीजेरियन के नाम पे 1,40,000 रुपये की अवैध वसूली की। मरीज के द्वारा 84,000 रुपये जमा भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद उनसे अवैध पैसे मांग कर उनके साथ मारपीट की गई। इस चीज़ के विरोध में अंत्योदय सेवा संस्थान उस हॉस्पिटल के विरोध में आज आवाज़ उठाने का काम किया और पुतला दहन करने का काम किया। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हाँ, हमारा बक्सर प्रशासन और सरकार जो भी गवर्नमेंट है उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे निजी अस्पतालों पर नकेल कसे जो आम गरीब आदमियों को सताने का काम कर रहा है, उन्हें लूटने का काम कर रहा है। इलाज के नाम पे उनके साथ बदतमीजियाँ हो रही है हॉस्पिटल में और आए दिन अनेकों वीडियो वायरल होते रहते हैं। अनारकली हॉस्पिटल का भी कुछ ऐसा ही मामला था, एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली, फिर उसके बावजूद हम लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम किया। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, चरमराई व्यवस्था यहाँ पर ना रुई है ना सुई है, लेकिन ऐसे स्थिति में अगर सरकारी अस्पताल का हो तो प्राइवेट क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्राइवेट का बोलबाला होगा। मैं यह मानता हूँ सरकारी हॉस्पिटल जो बक्सर का है वो तो ऐसे ही बद से बदतर कहा जाएगा उसको, वहाँ पे आपको रुई और सुई तक भी नहीं मिल सकता है। बावजूद इसके मरीज जब प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर अग्रसर करते हैं, वहाँ उन्हें जो भी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक इलाज का खर्च है, उनके 4 गुना 5 गुना उनसे पैसा वसूला जाता है। आमतौर पे देखा जाए तो एक आम सीजेरियन का जो खर्चा आता है 30 से 35 हज़ार रुपये आता है। हमारे परिवार में भी लोगों ने कराया है, लेकिन 1,40,000 रुपये सीजेरियन के नाम पर, यह तो पूरी तरह से लूट है और इस लूट का पर्दाफाश वीडियो में भी हुआ है और हम लोग आगे भी आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु यादव हुआ, अंत्योदय सेवा संस्थान। क्या